महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में स्कूल बस की हड़ताल जो है वो जारी है। इसका परिणाम नागपुर के स्कूलों में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तकरीबन 50% छात्रों जो है वो स्कूल में पहुंचे नहीं, क्योंकि कोई स्कूल बस आज सेवा में आई नहीं है। जिन पेरेंट्स को पॉसिबल था उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप किया, बाकी जो बच्चे हैं वो अभी भी घर में हैं। आप देख सकते हैं और इसका प्रमाण जो है तकरीबन 50% बच्चे जो है स्कूल बस के हड़ताल के वजह से स्कूल में पहुंचे नहीं। आपकी स्कूल बस आई है? नहीं। फिर कैसे आए आप? मम्मी ने छोड़ दिया। कितने बच्चे रेगुलर स्कूल में आते हैं? 45 तक। अभी कुछ तो अभी नहीं है? नहीं, पेट्रोल का ये चालू है ना अभी। हाँ। इसलिए हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। हमारे साथ इस बच्चे राज व्यास स्कूल के प्रिंसिपल है। मैम, बच्चे नहीं आए, क्या कारण है? बच्चे नहीं आए इसका कारण जो है कि उनका जो वाहन है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका ही मेन प्रॉब्लम है। नहीं तो इतने बच्चे जो है हमारे स्कूल में कभी अब्सेंट नहीं रहते। तो आज की जो संख्या है वो बहुत ही कम हो गई है। 45 से 50% बच्चे जो है वो ये उनका यानी जो ऑटो है या बस है उनका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के कारण बच्चे नहीं आए हैं आज स्कूल में। तो भी आप पढ़ा रहे क्लासेस? क्लासेस में पढ़ाना तो पड़ता ही है, क्योंकि जो बच्चे आए हैं उनको तो न्याय देना चाहिए। जो बच्चे आए वो बहुत मेहनत करके आए हैं। कोई बच्चे साइकिल से आए हैं कि आज स्कूल है, और कुछ यानी जो स्कूल के आसपास यानी कम डिस्टेंस पे है वो बच्चे पैदल भी आए हैं। इतनी ठंडी है तब भी बच्चे आए हैं इतना प्रॉब्लम हो के, तो फिर उनको तो पढ़ाना ही चाहिए, इसलिए तो पढ़ाई चालू रहेंगी। नागपुर के सभी स्कूलों का यही हाल है। स्कूल के बसेस बंद है, इसके कारण आज आप देख सकते हैं तकरीबन 40 से 50% छात्र जो है वो स्कूल में पहुंचे ही नहीं है। और जो स्कूल बसेस का स्ट्राइक है उसका असर नागपुर के लगभग सभी स्कूलों में दिखाई देता है। कैमरामैन सचिन सयाम के साथ मैं गजानन नुमाटे, TV9 भारतवर्ष, नागपुर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।